फ्रेंड नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई कुंदन सिंह शिकार बिहार से और मैं कर रहा हूँ संपूर्ण भारत यात्रा। भाई मैं अभी हूँ ओंकारेश्वर और यहाँ पर इतना भीड़ है, सोमवार है तो इतना भीड़ है कि क्या बताए कितना भीड़ है। और मतलब अंदर प्रवेश द्वार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ से एंटर करना पड़ता है। और ये देखिए ओंकारेश्वर में भीड़ कितना है, तगड़ा। वाह भाई, आपने जल्द जल करा ली क्या? सीधे जाना होता ना। और भाई बोल बम तो ये ब्रिज से अंदर जाना पड़ता है। इतना भीड़ है कि यहाँ 5 दिन भी लगता है शाम तक भी होगा कि नहीं होगा। और ये सामने डैम है, ये
पैसे लिए हुए, देखते हैं इससे आगे क्या होता है। देख सकते हैं मेरे पीछे कामर वाले लोग भैया जाए, और ये मैं जिस लाइन में हूँ ये वीआईपी लाइन है जो हमको फ्री माने दिए हैं। और ये जो लाइन है ये पूजा करने के लिए जो लाइन लगा हुआ देख सकते हैं, ये लाइन है कितना भीड़ है पूरा। यहाँ पे ये गंगा स्नान होता है नर्मदा नदी का, और नीचे से स्नान कर रहा है। और ये ब्रिज है, ये ब्रिज पार करके आना पड़ता है, गाड़ी उधर ही छोड़ देना पड़ता है। और ये ब्रिज पे देख सकते हैं पूरा, मतलब इतना दूर से नहीं दिखेगा, पूरा भरा हुआ है। उसके बाद फिर इधर भी पूरा भरा हुआ है। भाई यहाँ पे तो ओंकारेश्वर मंदिर अंदर जाने के लिए अभी भूल भुलैया में घूम रहे हैं फिलहाल, कैसे अंदर जाएंगे समझ से बाहर है। जय बोले, जय बोले, जय बोले, जय बोले। लगता है आप अंदर पहुंच जाएंगे क्या, कि वापसी जा रहे हैं? देखो अभी हमें भी नहीं पता हम कहां जा रहे हैं अभी किसी को नहीं पता कहां जा रहे हैं, तो भेज दिया क्यों इतना अंदर? तुम कहां तक चले गए? पूरा नीचे तक, नीचे तक उधर देखा कुछ? नीचे देखे बस, कोई रास्ता नहीं है, फिर वापस आ गए। बाबा जी सब यहाँ पे झूठ बोलते हैं, बाबा लोग मंदिर में तो तुम नीचे देख के आए कितनी लाइन है। मैंने बोला तुमको 40 से मिनट एक घंटे में तो आप गए थे नीचे, रास्ता था क्या जाने का? लाइन था, लाइन देख के आए मैं तो लाइन। ये तो मंदिर का पिछला हिस्सा है, ये लाइन चलेगी नहीं, ये वीआईपी में दे रखी है। आप लोगों को वीआईपी चलता है तो उसमें दे रखी है, उसमें एक आदमी धीरे धीरे नीचे जाओ, वहाँ एक घंटे में दर्शन हो जाएगा। आप जहाँ से आए ना बेटा, आपको गलत बोलेंगे कि आप लाइन उधर की लाइन इतनी बड़ी है नीचे। आप Yeah.
सोमवार है इसलिए बहुत भीड़ है और हम लोग एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है वो। फिर से दोबारा रन, दरवाजा हम भर दिया। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, 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 हर हर घर से लेके आने का मंदिर में टिकट बंद है। वीआईपी बंद है आज? टिकट बंद है, वो तो डायरेक्ट ले जाते हैं, वो बाबा अपने हाथ में रख लेंगे। हाँ, वो तो उनका ही है, धंधा कमीशन में जैसा क्या भैया, बस हो गया, बस इतना ही। चलो 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 चलो, भैया हल्ले कर दो, हल्ले बोलिए बोलिए ना। बम 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 बम
हमको तुम दो मोबाइल रखो तुम। हर हर महादेव। ओ भोली, तो फाइनली मैं ओमकारेश्वर दर्शन भी कर ही लिया और यहाँ से अब महाकाल के लिए निकल रहे हैं और यही ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है और यहाँ 8 किलोमीटर परिक्रमा करने के बाद मेरे साथी लोग जो बन गया था नया मेरा दोस्त वो सब गायब हो गया, कहाँ चले गया। ओ भीड़ देख रहे हैं,